अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करने वाले पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्रम पुनिया ने पीएम से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि सरकार बेटियों की आवाज को सुनकर उनकी मदद करे। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ देश के 135 करोड़ लोग खड़े हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी खिलाओ का नारा देते हैं, तो आज भारत की बेटी आपसे गवार लगा रही है कि आप उनको क्यों रोड पे नहीं दिख रहा कि चार दिन हो लिए और तीन महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। जब मेडल जीतते हैं तब सब फोटो खिंचवाते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। ये भी आप लोगों की बेटी हैं, ये भी पूरे भारत की बेटी हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आपसे विनती करते हैं कि आप इस चीज़ को अपने ध्यान में लेके और भारत की बेटियों के साथ न्याय कीजिए। जो नाबालिग लड़की है जिस किसी को भी नहीं पता, यहाँ धरने पर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे उनको भी नहीं पता कौन है, लेकिन उनके आदमी उनके घर तक पहुँच रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनके घर तक क्यों पहुँच रहे हैं, क्यों उनकी तलाश कर रहे हैं, वो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को तो दो तीन आदमी आज आए मेरे को बोले कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं, एक बार इनकी टिकट काट दी थी इनकी पार्टी को, किसी खिलाफ आदमी को दी थी उसको उसी दिन मरवा दिया जिस दिन वोटिंग थी, तो अब डराया भी जा रहा है। पर हम आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से बता दें कि हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन यहाँ के बैठे थे उसी दिन हम डर को पीछे छोड़ के आगे थे, बहुत पीछे। और मेरी कुछ छात्र संगठनों से भी बात हुई है, वो भी बोले कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम आपके पास आएंगे वहाँ पे भी, और हम अपने जहाँ पे हम क्षेत्र पे हम सारी जगह उनका विरोध करेंगे। तो मैं आप सभी के मीडिया के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ रहे सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ब्रजभूषण जी को मैं बताना चाहूँगा कि हम डरते नहीं हैं, आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। आपके लोग आगे हमें कह रहे हैं कि भाई आप किससे पंगा ले रहे हैं, वो आपको मरवा देंगे, उनको तो जिस दिन वोट थी उसी को मरवा दिया जो ओपोनेंट थे उनके, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ 135 करोड़ लोग खड़े हैं। हमने यहाँ ट्रेनिंग के लिए सुबह हमारा क्योंकि टूर्नामेंट आए हुए हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालीफाई भी है, तो हम मैट लेके आए थे, पुलिस प्रशासन ने मैट को अंदर नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दी गई। जब हम सुबह यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे रोड पे, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है, खाने के लिए जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उनको अंदर नहीं लेके आने दिया जा रहा। अब सांस लेने में भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, खाने में ट्रेनिंग में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मेडल की बात आती है तब तो आप सभी कि हमारे पहलवान मेडल लेके आएंगे, आज वो पहलवान जब रोड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह उठ के, सारी रात मच्छर या काट रहे हैं या सो रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता ये चीज़ें। जब रोड पे बच्चे भाग रहे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता, जो स्टेडियम में होना चाहिए था वो आज जंतर मंतर पे हो रहा है। तो बड़े हमें भी बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का।